नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां राहुल गांधी 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि बिलासपुर में भरोसे का सम्मेलन में शामिल भी हो सकते हैं। इस आयोजन के बहाने राहुल छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। इसी के साथ ही ग्रामीण आवास न्याय योजना की भी शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने प्रदेश के 16 लाख गरीब परिवारों को सरकार के रवैये के कारण आवास से वंचित होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल करने राज्य सरकार ने ग्रामीण हितग्राहियों को साधने और छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की है। अब इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में संभाग के 25 सीटों पर दिख सकता है। विधानसभा चुनाव में फेक न्यूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तस्वीरों और वीडियोस से होने वाली छेड़छाड़ राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस इन चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुट चुकी है। दोनों दलों ने बकायदा इसके लिए मॉनिटरिंग और रिसर्च फैक्ट चेक टीम तैयार कर ली है। रायपुर के श्री बजरंग नव युवक मंत्रिमंडल गणेशोत्सव समिति ने गणपति का स्वर्ण श्रृंगार किया। उन्होंने सोने का मुकुट पहनाया गया। बताया जा रहा है कि स्वर्ण रत्न जड़ित मुकुट को शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद से इसमें भाजपा की क्षेत्रीय संगठन महामंत्री माननीय अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय पवन साय और पूर्व मंत्री विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। इन नेताओं ने सिर पर मुकुट लेकर शोभा यात्रा में पैदल यात्रा की और गणपति पंडाल में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कोरबा में भूपेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने यहाँ के आदिवासी और गरीब भाई बहनों को लूटा है। यहाँ की सरकार ने लोगों का शौचालय आवास को छीना है। इतना ही नहीं, बृजेश पाठक ने कहा है कि निश्चित तौर पर इस परिवर्तन यात्रा में हर जाति धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को यहां की जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। रायपुर के जयस्तंभ चौक से महज 100 मीटर दूर एएसपी ऑफिस के ठीक नीचे एक नाबालिग से उसके बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने दो दिनों तक गैंगरेप किया। जी हाँ, इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। वही पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत दिखाकर आपबीती घर वालों को सुनाई तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।